बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सुल्तानी जायका में खुश आमदीद। आज हम बनाने वाले हैं अफ्तारी की शान चना चाट। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए हमने लिए है एक बाउल चने। इसको हमने बॉईल कर दिया है। एक बाउल हमने ली है दही, तीन अदद हमने बड़े आलू लिए हैं, इसको हमने बॉईल कर दिया है और इसके छिलके उतार दिए हैं। आप कम चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ज़्यादा चाट बना रहे हैं अफ्तार पार्टी के लिए। एक बॉल हमने लिया है इमली की चटनी। इसकी वीडियो मैंने दी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, उस पर जाके वीडियो देख सकते हैं पूरी। दो अदद हमने प्याज लिए हैं, थोड़ा सा पुदीना, दो अदद हमने मिर्च लिए है, दो अदद टमाटर, दो अदद लेमू और थोड़ा सा धनिया लिया है हमने। मसालों में हमने लिए है 1 टीस्पून रेड चिली क्रश किया है हमने, 1 टीस्पून साल्ट लिया है हमने, 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा रोस्ट किया है हमने, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर हमने लिया है। सबसे पहले हम प्याज काटेंगे। ये छोटा प्याज हमने डेकोरेशन के लिए कहा है, इसको हम बाद में डालेंगे चाट के ऊपर। और ये दूसरा प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। दोस्तों, हम इस बर्तन में चना डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
दोस्तों इसको चम्मच से इस तरह थोड़ा सा पीसना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि बाद में ये डेंस हो चाट। मैं चाट मसाला डालना भूल गया था, तो अभी हम इसको इसमें जो है एक स्पून चाट मसाला डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे और थोड़ा सा हमने डेकोरेशन के लिए साइड पे रखा है, ये हम सारा डाल देंगे। इस तरह अब टमाटर डालेंगे और पुदीना और धनिया भी है इसमें और रेड चिली ग्रीन चिली भी है इसमें। इसे भी हमने थोड़ा सा रख दिया है, ये हम डेकोरेशन के लिए बाद में डालेंगे इस पर। अभी हम इसमें आलू को ऐड कर लेंगे। इसे भी हम थोड़ा सा निकाल लेंगे ताकि बाद में डेकोरेशन के लिए डाल दें। इसको अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही डाल देंगे इसमें। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अभी इसमें इमली की चटनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अभी हम इसमें पापड़ी ऐड कर लेंगे। इसका लिंक, इसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो भी देख लें। अभी हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी जो हमने आलू डेकोरेटिव के लिए रखे थे अभी हम वो डालेंगे। प्याज इसके ऊपर डालेंगे ताकि ये अगर जब हम सर्व करें तो ये खूबसूरत लगे, जायके में भी ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मज़ेदार, स्पाइसी होता है।
और अब हम इसको डेकोरेट भी करेंगे तो और भी इसका मज़ा दुबला हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको अगर कोई और रेसिपी भी जाननी हो तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं वो भी अपलोड करूँगा। हमने थोड़ा सा पापड़ी रखा था डेकोरेटिंग के लिए। अब हम ये डाल देंगे इस पर। थोड़ा सा गिर गया तो ये हम उठा देंगे अभी कि ये रिजक है। अब हम इसके ऊपर पुदीना डालेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ये। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।